वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के चीले। बहुत अच्छे बनते हैं, सारी वेजिटेबल डालकर बना रहे हैं। और ये सिखा रहे हैं हमें ये भैया सूजी के चीले। तो ये लिया है हमने सूजी, जो पैकेट में सूजी आती है जिसके आप इडली वगैरह बनाते हैं, सेम रेगुलर सूजी है। और उसको हमने लिया है 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 350 ग्राम, 350 ग्राम सूजी है अगर आप वेट से देखें। और दही हमने लिया है 1.5 कप। तो अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं दही। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, जो मैंने 2 हरी मिर्च ली है। फिर हरा धनिया है, ये भी हमने धो के अच्छे से काट लिया है। एक प्याज है, जो बड़ा प्याज है उसको ले लिया है, छोटी है तो 2 ले लीजिए। गाजर हमने 2 ली हैं, ग्रेट कर ली हैं क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। और एक शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। आप देखिए कितनी सारी सब्जियां हम इसमें डाल के बनाने वाले हैं और बहुत यम्मी लगने वाला है। इसको हम सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी मिक्स होने के बाद। ये ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छा लगता है और इसको बच्चे भी खा लेते हैं, इस तरह सब्जियां डली होती हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी हम और डाल रहे हैं, जो दही का बाउल था उसमें मिक्स करके हमने डाल दिया है, 1/2 कप के करीब। सूजी सूजी पर डिपेंड करता है, तो आप 1.5 कप दही डालकर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देख लीजिए, क्योंकि हम इसको कुछ देर रखने वाले हैं तो कैसी कंसिस्टेंसी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करिए। और सबसे लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। बहुत टेस्टी लगते हैं, जरूर बनाइएगा और इजी है बनाना। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, ये इस टाइप का है। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे इसको, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और इसमें हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, थोड़ा चंकी चाट मसाला और थोड़ा सा कलर वाली रेड चिली, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। तवा हमने गरम होना रख दिया है और ये हल्का गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये बैटर। और इसको धीरे धीरे ऐसे फैलाएंगे। वेजिटेबल्स डली हुई हैं काफी, इसलिए थोड़ा आराम से फैलाइए। और हमने ये बड़ा तवा लिया है, नॉनस्टिक फ्यूचरा वाला जो तवा है, ये देखिए ऐसे हम इसको गोल गोल बहुत अच्छे से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये चीला बन जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से, ये देखिए। और इसको गैस को हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। तवा भी हमें शुरू में बहुत तेज गर्म नहीं करना है, स्लो टू मीडियम पे ही हमें पकाना है। और इसको थोड़ा सा इससे स्पैचुला से ठीक कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं थोड़ा सा घी, घी बटर ऑयल जो भी आप लगाना चाहें, और इसको स्प्रेड करेंगे। जहां से भी ये फूले थोड़ा सा हम इसमें कट लगा सकते हैं और इसको धीमी आंच पे अच्छे से सिकने देंगे। आप देख रहे हैं ना कैसे ध्यान से चारों तरफ से चेक करते हुए
तो ये देखिए अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा चीला सिककर तैयार है। हमने घी वगैरह पहले तेल नहीं लगाया था, नॉनस्टिक तवा है इसलिए आसानी से ये सिक गया है। आप देखिए अब दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। अभी और हमें सेकना है इस तरफ से, इसको दबा दबा कर हमने सेक लिया है। और ये देखिए पास से आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा ये सिक गया है, बहुत ही बढ़िया। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा इसको इस तरह से हम फिर से डाल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत आसान है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमने कुछ भी इसमें इनो वगैरह नहीं डाला है, सब्जी है, सूजी है, दही है, तो आई थिंक बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। आप जरूर बनाइए और खाइए। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको फैला लिया है और इसको सिकने देते हैं। स्मूथ कर लेंगे इस पलटे के साथ ताकि कहीं से ऊंचा नीचा ना रहे, दूसरी तरफ से सिकने में आसानी रहे। पेशेंस के साथ सीखिए, अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, ये ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा पतला है। घी लगाएंगे इसके ऊपर, जब दूसरी तरफ से भी हल्का कलर चेंज हो जाए आप हल्का घी लगा लीजिए। कम ज्यादा आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसको स्प्रेड करेंगे, अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा चीला बना है। दोनों तरफ से सेक लेंगे और दूसरी तरफ से भी आपको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए क्लोजअप में देखिए कितने अच्छे ये ब्राउन चित्ते पड़ गए हैं और ये बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया ये चीला सिक कर तैयार है। और ये आप देख सकते हैं ज्यादा मोटा नहीं है, पतले हैं ये चीले। आज पता है हम इसको किस चटनी से सर्व कर रहे हैं? ये मेथी की चटनी है। मेथी से चटनी कड़वी नहीं बनती है और बहुत अच्छी है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।